वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड नून टू ऑल ऑफ यू। गुड नून, गुड नून। प्रकाश, ब्यूटी, रोशनी, विहारी, अडबेन, गुड़िया, रजनीश, शालिनी, स्वाति, रितेश, रामजी, नेहा, ताहिरा, सुप्रिया, ऑल ऑफ यू, गुड नून। नाइन्टी फाइव तक आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 95 तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो चुकी थी। 95 तक याद होगा, हमने कहा कि 95 तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। 96 क्या कहता है ये देख लीजिए। 95 तक कॉन्सेप्ट जो है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। 96 क्या कहता है ये देखिए। सामान्य तौर पर व्यक्ति के नाम के पहले एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर उसका पजेशन दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर व्यक्ति के नाम के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पजेजन यानी अधिकार दिखाया जाता है। पजेजन यानी अधिकार दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन कह रहा है आई डू नॉट लाइक रवि सिंगिंग वेरी मच। मैं रवि का गाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। यहां पर आंसर देना है दैट इज कार। Which is parking there? वह राम का कार है जो पार्क किया हुआ है वहां पे, और कह रहा है कि बताइए इसमें क्या गलती है। बिल्कुल, तो यहां पर हम लोगों का देखना यह है कि आदमी का जब पजेजन दिखाना होगा, राम का गाना मुझे पसंद नहीं है, नीचे कह रहा है वह राम का कार है, तो राम का कार के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? राम की पत्नी, राम्स वाइफ, राम की पत्नी, सोहंस है ना, रंजंस, रंजंस सन, रंजन का बेटा। तो आदमी का पजेजन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं बच्चों। आदमी का पजेजन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आदमी का पजेजन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
दूसरा चीज तो इस हिसाब से देखिए, सॉन्ग नहीं सिंगिंग होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवीज सिंगिंग। रवीज सिंगिंग का मतलब है रवि के द्वारा गाया जाने वाला गाना, है ना, रवि का गाना। और तीसरा में क्या होगा, यहाँ पे भी ये होगा, रामस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामस कार हो जाएगा। अतः यहां भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जरूरी बात ये नहीं है, जरूरी बात आगे है। और वो जरूरी बात क्या है बच्चों, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं ये जरूरी बात क्या है। तो जब किसी नाउन के अंत में एस हो, इसके जस्ट बाद जो मैं बताने जा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। इसके जस्ट बाद जो है ये देख लिया, सामान्य तौर पर हमने क्या लगाया, एस लगाया, और यहीं पर नॉन लिविंग थिंग होता तब हम ऑफ लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रूल को और पढ़ेंगे 97 में। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया ताहिरा, वेरी गुड रविंद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़िए। नाइन्टी सेवन क्या कह रहा है सुन, देखिए, यदि कोई नाउन का अंत, यदि किसी नाउन का अंत, यदि किसी नाउन का अंत हिसिंग साउंड सौ से हो, किसी नाउन का अंत हिसिंग साउंड सौ से हो, तब उस स्थिति में हम केवल एस, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसका पजेजन दिखाते हैं। जब कोई नाउन का अंत किससे हो बच्चों, हिसिंग साउंड एस से हो, यानी कि पहले अंत में एस लगा हो, उस स्थिति में याद रखना है, उस स्थिति में याद रखना है कि केवल हम उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसका पजेजन दिखाएंगे। ये 97 की बात हो रहा है। जैसे देखिए जस्टिस, तो देखिए जस्टिस में जो है जस्टिस सेक ये रखेंगे, ठीक है। गणेश ऐसा लिख दे, गणेशेश सन गलत हो जाएगा, गणेश का बेटा। सही क्या होगा, गणेश सन, क्योंकि अंतिम में पहले से एस है। जब भी अंतिम में एस हो उस स्थिति में याद रखना है हम केवल क्या लगाएंगे बच्चों, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल। ये याद रखना है कि जब कोई नाउन का अंत पहले से एस से हो उस स्थिति में हम अलग से एस यस नहीं लगाते हैं बच्चों। जब नाउन का अंत पहले से एस से हो उस स्थिति में केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग उसके साथ नहीं करते हैं। सेक लिखे हैं, जस्टिस सेक का मतलब होता है न्याय के लिए, फॉर गॉड सेक भगवान के लिए बोलते हैं ना, सेक भगवान के लिए बोलते हैं, गॉड सेक मतलब भगवान के लिए, फॉर योर सेक आपके लिए, सेक का मतलब होता है के लिए। अब ये याद रखना है कि यदि कोई नाउन का अंत हिसिंग साउंड सौ से हो, जरूरी नहीं है कि ये सौ रहे एस, यहां जस्टिस पढ़िए तो आपके मुंह से हवा निकलेगा, जैसे जस्टिस गणेश महेश। तो सौ जो अंतिम में होगा वो देखिए हिस हिस करेगा, मुंह से निकलेगा हवा। तो जब अंतिम में वर्ड एस हो अथवा कोई शब्द जिसका उच्चारण सौ हो एस हो, उसके साथ हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टरडे आई सॉ, स्टरडे आई सॉ रवि, स्टैंडिंग एट मोनिका गर्ल्स हॉस्टल। कल मैंने रवि को मोनिका गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा देखा। कल मैंने रवि को मोनिका गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा देखा।
इसमें गलती क्या है ये बताना है। साउंड कट रहा है, अब तो जा रहा होगा। आंसर बताइए, यहां पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी होगा। तो इसमें गर्ल्स में क्या करेंगे, आंसर सी होगा। गर्ल्स में एपोस्ट्रॉफी केवल लगाना है, दोबारा एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। गर्ल्स हॉस्टल में दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, गर्ल्स में केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे क्योंकि पहले से एस मौजूद है। बिल्कुल पहले से एस मौजूद है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाना है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, सभी का आंसर राइट आ रहा है। तो ये बात याद रखना है, छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमें बचना है इन चीजों से, और छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल, चलिए आगे देखिए। 97 के बाद 98 इसी से संबंधित है बच्चों, और वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग रहे तब क्या लगाएंगे। नॉन लिविंग थिंग रहे तब हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाकर उसका अधिकार दिखाएंगे, मिटाया जाए। चलिए, इसके जस्ट उल्टा क्या कहता है, इसके जस्ट उल्टा है 98। बिल्कुल, अब कह रहा है नॉन लिविंग थिंग अपना अधिकार, इसको हिंदी में, अंग्रेजी में पजेजन कहते हैं, ऑफ की सहायता से दिखाता है। ये सब केस का टॉपिक है बच्चों, किसका है, केस का टॉपिक है। हालांकि केस का टॉपिक मैंने शुरू में भी बताया था। अब यहां देखिए, जैसे द लेग ऑफ टेबल, जैसे द कलर ऑफ कार, द रेंट ऑफ दिस रूम। याद रखना है कि इस स्थिति में है ना, टेबल का ना लेग, कार का रंग, रूम का किराया, तो इस तरह का यदि हिसाब हो तो इस स्थिति में याद रखना है बाबू कि हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। गौर से देखिए, द टेबल्स लेग आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऐसा क्वेश्चन लिख दे तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। द टेबल ऑफ लेग, नहीं गलती हो जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल प्लुरल है यहां पे, एगो नहीं, टेबल में एक से ज्यादा लेग्स होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहां पर लगाना क्या होगा, आगे आर लगा हुआ है, सही होगा, द लेग्स ऑफ टेबल, क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल होगा। बिल्कुल, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का अधिकार किसके माध्यम से दिखाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग का अधिकार दिखाता है एपोस्ट्रॉफी एस के माध्यम से, बिल्कुल नहीं, किसके माध्यम से दिखाया जाता है बच्चों, तो याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि नॉन लिविंग थिंग का अधिकार हम ऑफ की सहायता से दिखाएंगे। जब भी दिखाना हो तो किसकी सहायता से दिखाएंगे, ऑफ की सहायता से दिखाएंगे।
बिल्कुल सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं 99। चलिए पिछले क्लास में जो आया था शायद पढ़ा चुके थे, जैसे ये वाला पढ़ाए थे ना, जस्ट नाउ टिल नाउ, ये वाला तो पढ़ा चुके थे, जस्ट नाउ टिल नाउ, जो कल क्वेश्चन में भी आया है एग्जाम में। तो इस तरह का याद रखना है, अब कोरोना कॉन्सेप्ट 99। और शायद इसका पढ़ा चुके हैं, ये प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है बच्चों, याद है आप लोग को, पढ़ा है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया गया है, याद कीजिए तो यस और नो, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा दिया गया है ना, शायद पढ़ा दिया गया है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, बिल्कुल पढ़ा दिया गया है। चलिए इसके अलावा ये भी पढ़ाए थे कि वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो 99 में हम जो पढ़ेंगे आज, वो देखिए थोड़ा सा हट के क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, बिल्कुल, तो कंजक्शन का हम लोग अभी तक मात्र एक रूल पढ़े थे, जिसमें हम पढ़ाए थे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह का हमने पढ़ा था कंजक्शन का। और एक और टॉपिक पढ़े थे कंजक्शन का, वो क्या था, कंजक्शन से हम लोग एक और चीज पढ़े थे, और वो क्या था, तो कंजक्शन का टॉपिक ये था कि इन्वर्जन का रूल लागू होता है, क्या लागू होता है, इन्वर्जन का रूल लागू होता है। तो एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पर नया, पास्ट पार्टिसिपल, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले ये दोनों को जानने जरूरी है कि आखिर है क्या। He gave me drinking purified water to drink, drink yesterday. उसने कल मुझे पीने के लिए एक ऐसा पानी दिया, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दिया, ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर दिया। स्टेशन पे आप गए होंगे तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं ये दोनों का, आ जाइए क्या है ये देख लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा यहां आ जाइए आप लोग, तो और देखिए कि जब V3 नाउन के पहले आए और जब V4 नाउन के पहले, ब्रोकेन चेयर, कि ब्रोकेन चेयर, बर्निंग ट्रेन, जल, अभी भी रुका हुआ है, अब दिख रहा है बच्चों, गौर से देखिए। तो याद रखना है कि पहले पास्ट का घटना होगा कि प्रेजेंट का, तो पहले होगा पास्ट का। जब किसी वाक में नाउन के पहले V3 और V4 एक साथ आ जाए, जब किसी वाक में नाउन के पहले V3 और V4 एक साथ आ जाए, तो पहले लिखना है V3 को, बाद में लिखना है V4 को। बच्चों यदि किसी वाक में V3 और V4 नाउन के पहले आएगा,
तो ये याद रखना है कि पहले V3 लगाना है, उसके बाद V4 लगाना है। V3 जो है होगा वो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और स्टेशन पे ऐसे भी लिखा रहता है, गौर से पढ़िएगा, पेय शुद्ध जल। स्टेशन पे गए हैं आप लोग, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल बोलिए कौन सा लिखा रहता है। स्टेशन पे गए हैं आप लोग, स्टेशन पे गए हैं, स्टेशन पे लिखा रहता है पीने का शुद्ध पानी, शुद्ध पीने का पानी। नहीं चल रहा है, अब तो चल रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध पेयजल लिखा रहता है। स्टेशन पर यदि आप गए होंगे तो नल लगा होता है, वहां लिखा रहता है शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल रहता है, पेय शुद्ध जल नहीं रहता है। यदि आप स्टेशन पे गए होंगे और इधर उधर की बात नहीं तार कर यदि ठीक से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा स्टेशन पे बहुत सारा चीज लिखा रहता, अच्छी अच्छी बातें। आप लोग इधर उधर देखने में टाइम बेकार कर देते हैं, जबकि वहां पर देखिए कबीर की अच्छी अच्छी दोहा लिखा रहता है, प्रेमचंद्र की जो है लाइन लिखी रहती है, इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की लाइंस लिखी रहती है स्टेशन पर, बल्कि आप लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं वहां पर, आसपास के माहौल में जो है आप घुल जाते हैं। इसलिए गौर से देखिए तो हम बताए हैं कि शुद्ध मतलब प्यूरिफाइड, पे मतलब ड्रिंकिंग, जल मतलब वाटर। तो अब आंसर बता सकते हैं सभी लोग, शुद्ध पेयजल बिल्कुल। तो आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन दिया हुआ है ही गेव मी ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर, इसका आंसर बताइए। जब V3 V4 नाउन के पहले आए तो समझ जाइए ये एडजेक्टिव बन के आया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब नहीं समझे क्या बोले बाबू। बिल्कुल ताहिरा वेरी गुड, ब्यूटी वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए। अच्छा मिस्टेक हो रहा है क्या, दो को एक साथ करना होगा, यहाँ पर उल्टा था थोड़ा सा, ए बी अब सी, ठीक हो गया। अब एक ही में रहना है, अब सही हुआ है, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर होगा। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड वेरी गुड। ही गेव मी प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, आंसर बी सभी का सही आ रहा है। बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग लिखना पड़ेगा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर होगा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर। जब किसी भी नाउन के पहले वर्ब दिखाई दे तब समझ जाइएगा कि वो पार्टिसिपल के रूप में आया है। जब किसी नाउन के पहले वर्ब दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो एडजेक्टिव बन के आया है, पार्टिसिपल बन के आया है। बिल्कुल सही है पुष्पा रितेश, वेरी गुड सही है, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर होगा। यहाँ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले प्यूरिफाइड हो जाएगा, प्यूरिफाइड पहले हो जाएगा, तब ड्रिंकिंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखा कि हमारा आंसर ये सही होगा, बहुत बढ़िया। चलिए तो आई होप कि सब समझ गए होंगे, और ये सब एग्जाम में खूब आता है क्वेश्चन। आप लोगों ने बस दो टेस्ट दिया है और आपको देखने को मिला होगा कि दो टेस्ट में आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मिलने भी लगा है। इसके अलावा घर पर भी आप बनाइएगा, कोई भी बुक बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आप बहुत ज्यादा फास्ट जो है अंग्रेजी को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100 सेंचुरी मारेंगे अब हम लोग।
सौ नंबर जो कॉन्सेप्ट कहता है बाबू, ये याद ये रखना है कि देखिए, हालांकि ये नरेशन का टॉपिक में से हम जा रहे हैं, फिर भी एक बात जरूर याद रखना है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। क्या होता है? चोर चोर मौसेरा भाई होता है। जैसे यहाँ याद रखना है, एंड बट और नॉर नॉट ओनली बट अल्सो दैट, इसके आगे पीछे यदि भी वन होगा तो यहाँ भी भी वन, भी टू होगा तो यहाँ भी भी टू, भी थ्री होगा तो यहाँ भी थ्री, और भी फोर होगा तो यहाँ भी क्या होगा, भी फोर होगा। देखिए ये जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, एंड बट और नॉर नॉट ओनली बट अल्सो दैट, ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये हमेशा अपने साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। ये सभी जो है बिल्कुल बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। बुक आप एक बना सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये आप बुक बना सकते हैं। डॉक्टर अशोक सिंह, एक ये बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं एमबी बुक्स प्रीवियस ईयर, ये दो बुक आप बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं और अच्छे से बनेगा भी। हाँ बिल्कुल बनाइए, उससे आप क्या होगा कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉडल सेट भी आप बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमने कहा कि एंड बट और नॉर नॉट ओनली बट अल्सो, ये सब जो है अपने साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि इसके पहले यदि भी वन होगा तो इसके बाद भी वन होगा, इसके पहले यदि भी फोर होगा तो उसके बाद भी फोर होगा। गौर से देख लीजिए क्या कह रहा है। रोशनी नॉट ओनली, रोशनी इट्स नॉट ओनली इसको नाउन बना दीजिए, इसे आई लाइक नॉट ओनली कुकिंग बट ऑल्सो ईट वेरी मच, ऐसा यदि रहे तब आंसर आपको बताना है क्या होगा, ए बी सी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले देखिए कुकिंग लगा हुआ है, अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, कुकिंग है, तो यहां भी क्या हो जाएगा आंसर, ईट के जगह पर क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ईट के जगह क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। नहीं नहीं उधर नहीं, शुरू से बाद में चलना है, कुकिंग है इसलिए ईटिंग लिखेंगे, लाइक के बाद कुक नहीं आता है, ईटिंग आता है, लाइक के बाद जीरंड भी फोर आता है, बिल्कुल सही ईटिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही ईट के जगह ईटिंग हो जाएगा, ईट के जगह ईटिंग हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दो, सुरभि डज नॉट लाइक डांस एंड सिंगिंग,
यहाँ पर थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, गलत हो गया, गलत हो गया यहाँ। लाइक के बाद भी फोर आता है, नहीं तो लाइक के बाद टू प्लस भी वन आता है। बिल्कुल स्वाति का सही है, डांसिंग एंड सिंगिंग होगा। लाइक के बाद जीरन लगाएंगे, भी फोर लगाएंगे, दो गो नाउन एक साथ नहीं, दो गो भर्ब एक साथ नहीं आएगा ना, डांस और लाइक दोनों भर्ब एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए डांस को डांसिंग बना देंगे तो नाउन बन जाएगा, डांसिंग एंड सिंगिंग। वेरी गुड, यहां पर क्या कर देंगे हम, यहां हो जाएगा हमारा डांसिंग एंड सिंगिंग, एंड सिंगिंग। नाचना गाना पसंद नहीं है सुरभि को, नाचना गाना पसंद नहीं है सुरभि को, नाचना गाना पसंद नहीं है। वेरी गुड, बी आंसर हो जाएगा, डांस के जगह डांसिंग हो जाएगा, सुरभि को नाचना गाना पसंद नहीं है। इसी के साथ हम लोगों ने सेंचुरी मार दिया है, कंग्रेचुलेशंस आप सभी को कि हम लोगों ने आज सेंचुरी मारा। ये हम लोग का 100 रूल नंबर 100 था, है ना, 100 रूल जो है आपका आपके पास आ गया है, 100 रूल हमने आपको कोरोना कंसेप्ट का दिया है। ऐसे तो देखिए स्टॉप कर देंगे 100 पे जाके, क्योंकि बेसिक जो पूरा है वो तो पूरा चैप्टर वाइज जब हम पढ़ाते हैं तो लगभग 250 जो रूल होता है 250 से 300 चला जाता है रूल, प्रत्येक चैप्टर का 25 रूल जो है हम पढ़ाते हैं, और आप 10 चैप्टर 15 चैप्टर है तो उसमें बढ़ के चला जाता है लगभग 250 200 से 250 रूल हो जाते हैं, जो पूरा पूरा पढ़ाने पे 200 से 250 रूल कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बताना है अभी फिलहाल कि बताइए कि कैसा लगा ये 100 रूल, और आप गौर कीजिए कितने लोग, बहुत सारे इसमें होंगे, कम से कम 10-15 लोग तो जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी पढ़े होंगे, इसमें से कितने भी लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। लेकिन आप सच दिल पे हाथ रख के कहिएगा तो ये पता चलेगा कि आज हमने क्या किया है, इसको हमने इसको बहुत अलग तरीके से आपके पास रखा, और इस तरीके से रखा है कि आप ताकि डायरेक्ट वे में क्वेश्चन बना सके एग्जाम का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सके और डायरेक्ट में बना सके। यही बात को हम चाहते तो टफ बना देते कि ये कंजक्शन है, कंजक्शन अपने साथ ऐसा लेता है, ये ऑर्डिनल कंजक्शन है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये फलाने कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता कि भाई क्या होता है सबऑर्डिनेट, है ना, इसके बाद परेशानी बढ़ता चल जाता। लेकिन इससे क्या होगा ना, आपकी परेशानी नहीं बल्कि हम अपने प्रॉब्लम पर ध्यान लगाएंगे। शायद आप बातों आपको याद होगा जब अर्जुन पांचों भाई को कहा कि हम बहुत बड़ा टीचर बन जाए, हम बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए। हमारा ये मानना है कि आप फिलहाल तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, और आपका मोटो है, आपका टारगेट है कि एग्जाम निकलना चाहिए कम समय में, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये जो मैंने ये किया है तैयार आपके लिए, ये सब का सब आपके लिए अच्छे तरीके से तैयार किया गया है ताकि आप कम समय में किसी भी क्वेश्चन को बना सके, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिखाई दे कि गलती कहां पर है, इसका आंसर सही क्या होगा। और यह भी हमने आपको शुरू शुरू में ही बता दिया है कि कॉमन एरर, फिलर और इम्प्रूवमेंट तीनों इससे बन सकता है। बच्चों खाली जगह दे देते तो यही फिलर बन जाता, और अंडरलाइन कर देते इसको तो यही इंप्रूवमेंट बन जाता। ये बात तो आपके जेहन में रख लेना है कि कॉमन एरर, फिलर और इम्प्रूवमेंट बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट जब होगा तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी रुका हुआ है वीडियो, तो ये चीजें 100 नंबर वीडियो आपके पास जो 100 नंबर रूल है, आज शायद 21वां 22वां क्लास था, मैं चाहूंगा कि पहले हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बीच में नेक्स्ट जो है हमारा सेशन शुरू करेंगे, देखिए क्लोज टेस्ट या PQRS का करने वाले हैं। ठीक है, PQRS का जो सेशन शुरू होगा उससे पहले आप लोग इस 100 रूल को अच्छे से आप एकदम तैयार करके और सुंदर हैंडराइटिंग से सजा के एक नोट्स बना के PDF भेज दीजिए, मैं देख सकूं कि किसका सबसे अच्छा है।
और आप लोगों ने मेहनत किया है तो जरूर बना के भेजिए, दिखाइए कि आपने कितना मेहनत किया है और आपने अपने साइन नोटबुक में उसको लिखा है या नहीं लिखा है, और नहीं लिखा है तो जरूर लिखिए बाबू, आपका टाइम और इसके साथ साथ आप डेटा खर्च किए हैं, समय सबसे बड़ा खर्च किए हैं, सबसे महंगी चीज़ें जो आपने खर्च किया वो समय है। तो नोटबुक में यदि आप नहीं लिख पाए होंगे तो आई थिंक बेकार हो जाएगा आपका समय, तो इसलिए आप नोटबुक में उसको जरूर उतारिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए वो रामबाण का काम करेगा, पेनेसिया का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो सकती है उसको देखने से केवल, क्योंकि जो मूल रूप से क्या कहते हैं क्रीम, पूरे ग्रामर का जो क्रीम था वो 100 क्रीम आपको दे चुके हैं। अब जो हम 100 देंगे वो सबॉर्डिनेट रूल और देंगे, जैसे 200-250 जो रूल है पूरे ग्रामर का, इस तरह का 3D कॉन्सेप्ट, तो वो हम आपको क्रीम दे चुके हैं। अब क्या देंगे? सबॉर्डिनेट देंगे। सबॉर्डिनेट रूल देने का क्या मतलब है वो समझ लीजिए, जो मुख्य रूल था वो दे दिए हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अब एक्स्ट्रा रूल फिर जो देंगे इसका कोरोना कॉन्सेप्ट का, वो आपको छांटने में मदद कर देगा, एग्जाम का क्वेश्चन को समझने और छांटने में बहुत मदद करेगा। जैसे मोटा मोटी प्रीपोजिशन का एंट्री नहीं मारे थे, प्रीपोजिशन का रूल देंगे, कंजक्शन का बहुत सारा बचा हुआ है, एडवर्ब का बचा हुआ है, वो नरेशन वॉइस से रूल बचा हुआ है, तो नरेशन वॉइस पढ़ाने के बाद वो रूल देंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं। और एक और चीजें हैं कि आप जरूर उसको लिख लीजिए। और जिन लोगों का क्लास छूट गया है बाबू, जिन लोगों का क्लास छूट गया है, तो आप जानते हैं कि आज 21वां नंबर क्लास है, उसके पिछले क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिए। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, पूरा एकदम प्लेलिस्ट में लिस्टेड किया हुआ है सारे रूल्स, वीडियो को आराम से देखिए और उसको अपने नोटबुक में उतारिए, तब आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है फिलहाल मैं आपको लेके आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ, सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS लेके आ रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी अप्रोच से मैं उसको लेके आऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक करिए ताकि ये चले पता कि हाँ आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है। और आज मैं आप लोगों का एक और टेस्ट लेने वाला हूँ, और ये टेस्ट आपका शुरू होता है ऐसे, नरेशन पढ़ाएंगे, वॉइस का एक क्लास अभी छूटा हुआ है। चलिए इसका सिनोनिम बताना है, म्यूट का सिनोनिम बताना है बच्चों। सिनोनिम बताना है, ऐसे में तो सब ऐसा करते हैं ना, जिसका नाम लेंगे वो बताएंगे तो ज्यादा बेटर है, ऐसे में तो कोई ना कोई बता ही देते हैं। बिल्कुल, म्यूट का डम्ब पढ़ाए थे, शांत गुंगा। दूसरा लूसिड का, किसी को याद है लूसिड? लूसिड का याद है क्या? अच्छा ये नहीं पढ़ाए थे, लूसिड का क्लियर है, स्पष्ट है। ग्रेविट का बताइए, ग्रेविट का गलत बता दिए, प्रूडेंट। ग्रेविट का बताइए बच्चों, ग्रेविट, बिल्कुल सही आ गया है ग्रेविट का। प्रेग्नेंट, गर्भवती। इंडस्ट्रियस आ चुका है, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। वेरी गुड, प्रूडेंट का, प्रूडेंट। प्रूडेंट का बताना है,
प्रूडेंट का बताइए, नोवाइस, सॉलिसिट, चाइड, वेरी गुड। प्रूडेंट का वाइज, इसका एक और था डिलीजेंट, सही आ गया है। बिगिनर, नोवाइस का बिगिनर, एक और कुछ आया था नया, वो तो शौकीन होता है, नोवाइस बिगिनर सही है। सॉलिसिट, बिसीच, बिसीच सही है, रिक्वेस्ट करना, वेरी गुड, बिसीच सही है। लास्ट में एक चाइड है, चाइड है, चाइड। रिव्यू सही आ गया, स्कोल्ड रिव्यू, स्कोल्ड रिव्यू, डांटना होता है, वेरी गुड। देखिए हम तो चाहेंगे कि वोकेबुलरी का भी अलग से स्पेशल क्लास लगाएंगे, ध्यान रखना है वोकेबुलरी भी लगाएंगे, लेकिन हम उसमें अच्छा होगा क्या कि पढ़ाते पढ़ाते ही यदि वोकेबुलरी हो जाएगा तो ज़्यादा आसान है। स्पेशल बैठ के वोकेबुलरी सीखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन कोई भी जैसे हम नया सेशन शुरू करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट का, और उसके शुरू शुरू में आके 10-10 वर्ड मीनिंग देते चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? आप ही लोग बताइएगा कि यदि रोज दिन जैसे हम लोग आते थे और शुरू शुरू में कर लेते थे वैसे करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा, अलग से बर्डन नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, ऐसे क्या होगा ना कि एक स्पेशल वोकेबुलरी का वीडियो देंगे तो लगेगा बर्डन हो गया, लेकिन हम लोग जब सेशन शुरू करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट का और शुरू शुरू में 10-10 पढ़ते चले जाएंगे, आसान भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। दूसरी चीज, इतना अच्छा लगा कि ये पहला दिन हमने सिनोनिम का क्लास लगाया था और वो आपको याद है, तो ये बेहतरीन चीजें हैं कि आपको याद है। और ज्यादा जरूरी भी यही होता है, मेरे सर कहते थे कि कितना खा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है खाना को पचा लेना, जब खाना पचेगा तब वो आपके बॉडी में ताकत होगी और आपके बॉडी में लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि हमने कितना पढ़ा उससे ज़्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा है वो हमारे अंदर है कि नहीं। और इसी कारण से मैं जब भी आता था दोबारा तो उसको रिवाइज कराता था, या आज भी मैंने इसलिए नहीं पूछा कि हमको टाइम निकालना था, हमारे पास हम चाहे तो दिमाग में अथाह अभी भी ईश्वर की माँ सरस्वती की कृपा है, जिस समय जब खड़े हो जाए जहां से जो टॉपिक शुरू हो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब तक रिवाइज नहीं होगा, जब तक पढ़ा हुआ चीज आपके मन में नहीं रहेगा, तब तक बेकार हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई तब फायदेमंद होता है जब पढ़ा हुआ चीज बार बार उसको रिवाइज किया जाए। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो पढ़ा हुआ चीज है उसको रिवाइज करते रहिए, नया चीज पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है रिवाइज करना, खासकर एग्जाम के दिनों में एकदम नया चीज पढ़ने से इंसान को बचना चाहिए। एग्जाम के दिनों में रिवाइज बहुत जरूरी होता है, और रिवाइज के साथ साथ जरूरी होता है लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है छोटे छोटे नोट्स बनाना कि पूरे पढ़े उसमें से छोटा नोट्स तैयार कर दिए कि इसमें ये ज़्यादा जरूरी लग रहा है। जब आप 2-4 बार पढ़ते हैं तो अपने आप में आपका माइंड को लग जाता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है कि जब कभी भी एग्जाम का टाइम आए तो उसे रिवाइज करना जरूरी है, मॉडल सेट बनाना जरूरी है। बच्चों, बिना मॉडल सेट बनाए आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, इसलिए एग्जाम से पहले मॉडल सेट बनाना, टेस्ट प्रैक्टिस देना एकदम जरूरी होती है। और जो चैप्टर, जो टॉपिक आपका कमजोर है, उसको घर बैठिए नोटबुक निकालिए, यूट्यूब की सहायता लीजिए और उसको बार बार बना के उसको मजबूत करने का कोशिश कीजिए। आज ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपके पास यदि सक्षम भी नहीं है पे करने में, फिर भी आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उसमें भी एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूट्यूब बहुत बड़गला भी दिया है। कई बार कई लोग
एगो रूल लेके आते हैं या एक क्वेश्चन, और पूरे एक घंटा स्टूडेंट का ले लेते हैं। इसलिए याद रखना है कि ऐसे चैनल से बचना है जो आपका टाइम को बेकार करता है, व्यर्थ में चला जाता है। वैसे टीचर से भी बचना है जो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें में आपको रख के और टाइम बर्बाद कर देता है। मानता हूँ मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ हम जिंदगी की बात कर रहे हैं। मज़ा मस्ती के लिए कपिल शर्मा है, वहाँ जाके हंस लेंगे, जाके हम गाना सुन लेंगे, लेकिन जब पढ़ने आए हैं तो उस समय पढ़ाई ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए अगले एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेंटेंस अरेंजमेंट की क्लास, यानी PQRS की क्लास मैं लेके आऊँगा। सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको हिंदी में आना, ऐसे नॉर्मली लोग PQRS कहते थे पहले। अब आपके पास तीन ऑप्शन होता है, XYZ, पहले चार रहता था, अब तीन ही देते हैं, XYZ करके दिया जा रहा है आजकल जो दिया जा रहा है। उसके बाद क्लोज टेस्ट लगा देंगे बीच बीच में हम, और प्रीवियस ईयर का इसलिए टेस्ट सीरीज लागू किया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसा रहता है, और जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको काम आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो थैंक यू, हम लोग कल मिलेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म किया जाता है। आप सभी से ये है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज ये जो 100 आज ख़त्म हुआ है, कैसा लगा है कॉन्सेप्ट। इसका अच्छा फीडबैक होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, तो हम फिर से एक नए एनर्जी के साथ नए टॉपिक को लेके आएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट। और इसका लगभग 200 सेंटेंस अरेंजमेंट जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शुड ड्रीम, गुड नाइट, हैप्पी रहिए, खुशहाल रहिए, अपने करियर पर हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में करियर नहीं बनेगा तो अपने लोग भी आपको नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलिए, सब लोगों को थैंक यू।